हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस बिजनी वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एलईडी बल्ब मेकिंग एंड सेलिंग बिजनेस आइडिया के बारे में इस वीडियो में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, आज का इस वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि आप लोगों में से ही एक दोस्त मुझे बहुत दिनों से फेसबुक कॉमेंट और इंस्टाग्राम में भी डीएम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का कॉमेंट नहीं पढ़ता हूँ, बस आप लोग जो बिजनेस आइडिया के बारे में हमें बताते हैं उसके बारे में हमें रिसर्च करने में थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है। बाकी आप लोगों को कोई भी बिजनेस आइडिया के बारे में एक सही प्लान देने की इस बिजनी वे यूट्यूब चैनल का हमेशा से कोशिश रहा है और आगे चल के भी इस कोशिश जारी रहेगा, जिसके लिए आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो फिर दोस्तों, चलिए आज का जो मेन टॉपिक यानी एलईडी बल्ब मेकिंग एंड सेलिंग बिजनेस आइडिया के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में दिया गया बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया के बारे में वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूं तो वो आपसे नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता ही होगा कि आज के इस एलईडी बल्ब का बिजनेस कितना ज्यादा ट्रेंडिंग एक बिजनेस हो चुका है। ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, हर तरीके का बहुत सारा कंपनी का एलईडी बल्ब आपको आपके इलाका का जितना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अभी बात आता है आप लोग कैसे इस बिजनेस का मार्केट में एंटर कर सकते हो, आप लोगों को क्या क्या चीज का ध्यान रखना होगा, ताकि आप भी मार्केट में आपका कंपनी का एलईडी बल्ब को मार्केट में विदाउट कॉम्पिटिशन या बहुत ही कम कॉम्पिटिशन के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर दोस्तों, इस बिजनेस को आप लोग दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तो आप लोग कोलकाता बड़ो बाजार या बांग्लादेश ढाका चौक बाजार के जैसा बड़ा बड़ा होलसेल मार्केट से बिल्कुल होलसेल रेट में इन सारे एलईडी बल्ब को खरीद के उसे आपका इलाके का मार्केट में होलसेल रेट में या रिटेल में सेल कर सकते हो। और दूसरा, आप लोग कुछ रॉ मटेरियल्स और मशीन को खरीद के भी खुद इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और आज हम आप लोगों को 20-15 हज़ार रुपये में कैसे आप भी एक छोटा सा एलईडी बल्ब तैयार करने का एक बिजनेस की स्टार्टअप कर सकते हो उसका एक पूरा डिटेल्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मतलब आप लोगों को इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स का जरूरत होगा, उसे आप लोग कहाँ से खरीद सकते हो, कौन कौन सा मशीन का आप लोगों को जरूरत होगा, कैसे आप लोग एक बेस्ट क्वालिटी का गारंटेड और नॉन गारंटेड दोनों ही एलईडी बल्ब को तैयार कर सकते हो, उसको भी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और उसमें आप लोगों को कितना खर्च होने वाला है, कहाँ और कैसे सेल कर सकते हो, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कौन कौन सा लाइसेंस का जरूरत होगा, जिससे आपको इस बिजनेस को करने में लीगल इनलीगल कोई भी इश्यू को फ्यूचर में सामना ना करना पड़े और आप लोग आराम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। तो फिर दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों को कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स का इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जरूरत होगा, उसे आप लोग कहाँ से खरीद सकते हो। दोस्तों, एलईडी बल्ब भी दो तरीके का होता है, गारंटेड और नॉन गारंटेड। और इन सारे नॉन गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लेना होगा एलईडी फिक्सर यानी एलईडी हाउसिंग, जिसे कहा जाता है। दूसरा, रॉ मटेरियल्स के हिसाब से आप लोगों को लेना होगा B22 कैप्स यानी एलईडी होल्डर कैप। और तीसरा, रॉ मटेरियल्स के हिसाब से आप लोगों को जरूरत होगा PCB बोर्ड्स। और चार नंबर, रॉ मटेरियल्स के हिसाब से आप लोगों को लेना होगा फ्यूजर। और फिफ्थ, रॉ मटेरियल्स के हिसाब से आप लोगों को लेना होगा हीट सिंक स्टिक का। और सिक्स नंबर, रॉ मटेरियल्स के हिसाब से आप लोगों को जरूरत होने वाला है हीट सिंक पेस्ट। और गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार करने के लिए आप लोगों को इन सारे रॉ मटेरियल्स के साथ साथ एक एलईडी ड्राइवर का भी जरूरत होने वाला है। दोस्तों, एक नॉन गारंटेड एलईडी बल्ब को भी आप लोग 6 मंथ तक की गारंटी के साथ बेच सकते हो, जिसके लिए आप लोगों को पर पीस एलईडी बल्ब को तैयार करने में टोटल खर्च होने वाला है 14-15 रुपये तक। और एक गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार करने के लिए आप लोगों को टोटल खर्च होने वाला है 30-35 रुपये तक, जिसे आप लोग 2 साल का गारंटी के साथ अभी का मार्केट में आराम से सेल कर सकते हो। और इन सारे रॉ मटेरियल्स को आप लोग कोलकाता बड़ो बाजार या ढाका बांग्लादेश चौक बाजार से भी इन सारे रॉ मटेरियल्स को आप लोग होलसेल रेट में परचेस कर सकते हो। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं कुछ एलईडी बल्ब का रॉ मटेरियल्स सेलर का एड्रेस भी इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप लोग चाहे तो उन सारे सेलर से भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इन सारे रॉ मटेरियल्स को बिल्कुल होलसेल रेट में परचेस कर सकते हैं। और अभी बात कर लेते हैं आपको इन सारे एलईडी बल्ब को तैयार करने के लिए कौन कौन सा मशीन का जरूरत होने वाला है उसके बारे में। और दोस्तों, एलईडी बल्ब को तैयार करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लेना होगा इस टाइप का एक कैप पंचिंग मशीन का, जिसे आप लोग अभी का मार्केट में 1000 से 1200 रुपए में खरीद सकते हो।
और दूसरे मशीन के हिसाब से आप लोगों को लेना होगा टिक्का पंचिंग यानी हीट सिंक पंचिंग मशीन। और इस टिक्का पंचिंग मशीन को आप लोग अभी का मार्केट में 2500 से 3000 रुपए में खरीद सकते हो। और साथ साथ तीसरा मशीन के हिसाब से आप लोगों को लेना होगा सोल्डरिंग आयरन यानी जिसे सोल्डरिंग रॉड भी कहा जाता है। और इन सारे सोल्डरिंग रॉड को आप लोग 200 से 250 रुपए में खरीद सकते हो। दोस्तों इस तीनों मशीन की मदद से आप लोग इन सारे एलईडी बल्ब को इजीली असेंबल कर सकते हो। लेकिन एलईडी बल्ब का जो स्क्रू होता है उसे फिक्स करने के लिए आप लोगों को लेना होगा इस टाइप का एक स्क्रू ड्राइवर जिसे आप लोग 25-30 रुपए में अभी का मार्केट से खरीद सकते हो। अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग इस टाइप का एक ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर को भी खरीद सकते हो जिसके लिए आप लोगों को 800 से 1000 रुपए तक की खर्च करना पड़ सकता है। और आप लोगों को इन सारे रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए अभी का मार्केट प्राइस के हिसाब से 4800 रुपए से लेकर 5500 रुपए तक की खर्च करना हो सकता है। और इन सारे रॉ मटेरियल्स और मशीन को खरीदने का कुछ सेलर का एड्रेस और परचेस लिंक भी आप लोगों को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी इन सारे मशीन को और रॉ मटेरियल्स को खरीद सकते हो। तो फिर दोस्तों चलिए एक वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं कैसे आप लोग इन सारे एलईडी बल्ब को तैयार कर सकते हो। और दोस्तों एलईडी बल्ब को आप लोग कैसे तैयार कर सकते हो इसे आप लोगों को दो अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहला वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एक नॉन गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार कर सकते हो। और दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग एक गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार कर सकते हो। तो फिर चलिए देख लेते हैं। दोस्तों नॉन गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इस कैप पंचिंग मशीन में B22 कैप को डाल के इसी तरीके से मशीन को प्रेस करने पर आपका कैप इसमें फिक्स हो जाएगा। उसके बाद इस कैप के अंदर जो दोनों वायर था उसे इस हीट सिंक टिक्का के ऊपर रख के उसे हीट सिंक यानी टिक्का पंचिंग मशीन से इसे प्रेस करने पर आपका टिक्का भी फिक्स हो जाएगा। और उसके ऊपर आपको पीसीबी बोर्ड को लगाना है, इसीलिए पीसीबी बोर्ड के पीछे आप लोगों को लगाना होगा हीट सिंक पेस्ट जिससे आपका एलईडी बल्ब को हीट एब्जॉर्ब करने का क्षमता बढ़ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इस पीसीबी बोर्ड को उसमें अच्छे से लगाने के बाद आप लोग उसमें जो स्क्रू होल्डर है उसमें आप लोगों को स्क्रू लगा देना है बहुत ही अच्छा तरीके से। इसके लिए आप लोग एक मैनुअल स्क्रू ड्राइवर को भी इस्तेमाल कर सकते हो या आप लोग थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग एक ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और स्क्रू लगाने के बाद आपका काम है B22 कैप के साथ जो दोनों वायर था आप लोगों को सोल्डरिंग आयरन यानी सोल्डरिंग रॉड से उसे बिल्कुल इसी तरीके से उसे लगा देना होगा जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। और इसके लिए आप लोगों को सोल्डरिंग आयरन को भी खरीदना होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। और उसके बाद आप लोगों को उसके ऊपर जो स्टेप का डिफ्यूज़र था उसे लगा देना है। दोस्तों अगर आप लोग इन सारे प्रोसेस को एक बार प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो आप लोग जिसके पास से रॉ मटेरियल्स या मशीन्स को खरीदेंगे उससे ही इस पूरा प्रोसेस को एक बार प्रैक्टिकली देख सकते हो या सीख सकते हो। तो फिर दोस्तों चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे एक गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार कर सकते हो। दोस्तों एक गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार करने के लिए आप लोगों को जस्ट एक्स्ट्रा एक ड्राइवर का ही जरूरत होने वाला है। और सबसे पहले आप लोगों को एलईडी हाउसिंग के अंदर इस एलईडी ड्राइवर को डालना होगा बिल्कुल इसी तरीके से। और आप लोग देख सकते हैं कि ड्राइवर के साथ दो हार्ड वायर है उसे आप लोग B22 कैप के अंदर डालना है बिल्कुल इसी तरीके से। और इस दोनों हार्ड वायर को B22 कैप के अंदर डालने के बाद उसे आप लोगों को उसमें हीट सिंक टिक्का लगाना होगा जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और बिल्कुल पिछला प्रोसेस के तहत आप लोगों को इसमें हीट सिंक टिक्का को लगाना है। और पहले जैसे ही आप लोगों को इसमें हीट सिंक पेस्ट लगाना है और पूरा प्रोसेस भी आप लोगों को सेम इसी तरीके से कर सकते हो। बस आप लोगों को एक गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार करने के लिए बस एक्स्ट्रा एक ड्राइवर को ही ऐड करना होगा। दोस्तों इलेक्ट्रिक ड्राइवर को ऐड करने पर इन सारे एलईडी बल्ब का इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन को लोड लेने का क्षमता बढ़ जाता है जिससे इन सारे एलईडी बल्ब का ड्यूरेबिलिटी बहुत दिनों तक का हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को सेम प्रोसेस में ही पीसीबी बोर्ड को लगाना होगा, उसे सोल्डरिंग रॉड की मदद से सोल्डरिंग करना होगा। और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद उसको एक बार चेक करना होगा और उसमें डिफ्यूजर लगा देना होगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है जिससे आप लोग एक गारंटेड और नॉन गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार कर सकते हो। और दोस्तों एक नॉन गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार करने के लिए आप लोगों को टोटल खर्च हो सकता है 14-15 रुपए तक। और एक गारंटेड एलईडी बल्ब को तैयार करने में आप लोगों को टोटल खर्च होने वाला है 30-35 रुपए तक। और आप लोग नॉन गारंटेड एलईडी बल्ब को अभी का मार्केट में बिल्कुल होलसेल रेट में 30 से 35 रुपए में
और गारंटेड एक एलईडी बल्ब को आप लोग 65 से 70 रुपए में तो इजीली सेल कर सकते हो। और आपको शायद बिजनेस के शुरू में उतना भी ज़्यादा डिमांड ना भी हो सकता है इन सारे प्रोडक्ट का, लेकिन आप लोग अगर ठीक ठाक मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों को एक वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट को दे सकते हैं, तो 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको पर डे 150 से 200 पीस एलईडी बल्ब का ऑर्डर आ सकता है, जिसे आप लोग 2250 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पर डे के हिसाब से इस बिजनेस से प्रॉफिट मार्जिन इनकम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर विदाउट एनी लीगल इशू इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। और आप लोग अगर आपका ब्रांड नेम के साथ इन सारे एलईडी बल्ब को मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, फायर एंड पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एक एनओसी सर्टिफिकेट के साथ साथ आप लोगों को और भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होने वाला है। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर आज के इस बिजनेस आइडिया से संबंधित और भी कोई सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए अगर आज का इस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ बहुत बहुत शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बिजनी वाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फिर दोस्तों, चलिए मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू बिजनी वाई, बिजनेस आइडियाज फॉर एवरीवन।